आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं, आई मीन वी हैव अ 35 ईयर ओल्ड हु इज ऑन द वेंटिलेटर एंड वी आर नॉट एबल टू हेल्प पीपल नाउ। सो वी डू नॉट वॉन्ट, वी रियली डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू बी इन दैट सिचुएशन। So, sorry. I think ये जो emotional breakdown है हम doctors में सबको कोई ना कोई समय हो रहा है because we've not been so helpless, okay? So most importantly, please take care of yourself. Right now, COVID is everywhere around you, okay? तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family. It does not matter. You have to be masked. Okay? Just because आपको अभी एक साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। You can still get COVID. तो please keep yourself very well masked at all times. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहां तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन। गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना होए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, agar aapne vaccine nahi li hai kisi bhi karan se, ho sakta hai aap travel kar rahe ho, ho sakta hai aapko vaccine ki hichak ho, ho sakta hai aapne kuch WhatsApp pe forward pada ho ki vaccine ke wajah se kuch side effects ho rahe hai ya kuch ho raha hai, it's untrue. टेक योर वैक्सीन। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के दो वैक्सीन के शॉट्स होकर दो हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग, ओके? सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट टेक COVID-19 लाइकली। Please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. Unko aapke prarthana ki bahut zarurat hai aur sabse zyada zarurat hai ki aap apna dhyan rakhe. Okay? And bas ghar pe raho. Aap kuch hafton tak sirf ghar pe raho jab tak hum ye situation aise handle kar sake ki hum at least kuch ho jaye to hum hospital mein patients ko le sake. Filhal halat aisi hai ki डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड, तो आप सोचिए कि इट्स एन एब्सोल्युटली हेल्पलेस सिचुएशन, ओके? आई थिंक अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे वी विल डेफिनेटली कम थ्रू दिस सेकेंड वेव वेरी वेल, ओके? एंड देन वी विल हैव टू वर्क ऑन नॉट अलाउिंग अ थर्ड वेव। सो थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये सेकेंड वेव है इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है, ओके? टेक केयर, आई रियली लव यू।